जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंडियन फिजिकल एकेडमी में। दोस्तों आज एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट जिनका एमपी पुलिस का फिजिकल अभी होने वाला है, जैसे आपको पता है 3 तारीख से एमपी पुलिस का फिजिकल वापस कंटिन्यू होने वाले हैं। फिजिकल कैंसिल हुआ था कि फिजिकल के दौरान कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी, उसके कारण गर्मी के चलते ये जो फिजिकल है वो कैंसिल हुआ था। हालांकि गर्मी अभी भी कम नहीं है, हालांकि अभी थोड़ा सा मौसम अभी आप एक दो दिन से देख रहे हैं तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, बट अभी भी गर्मी कम नहीं हुई है। तो अगर मेन चीज तो ये थी कि फिजिकल कैंसिल ना होकर अगर टाइम पीरियड थोड़ा सा और बढ़ा दे, जैसे 5 या 4:30 बजे एंट्री करके वही 8-8:30 बजे तक अगर फिजिकल फिनिश हो जाता है तो बात की अपेक्षा अभी जो फिजिकल कंटिन्यू चल रहा था उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा वहां पर बेनिफिट होता। तो ठीक है, फिजिकल कैंसिल हुआ, बट अब जो 2 से 3 तारीख से जो फिजिकल 3 तारीख से फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, वहां पर बच्चों को किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। सबसे मेन चीज अभी आप देख रहे हैं मौसम जो है कि अभी कुछ जगह बारिश भी हो रही है, और जब तक अपने यहाँ पर एमपी पुलिस का फिजिकल चलेगा उस टाइम तक यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो अब क्या क्या दिक्कत आपको आ सकती है जिनका आगामी दिनों में फिजिकल है, तो देखो सबसे पहली चीज, हमने 2 दिन पहले टाइमिंग लिया था बच्चों का, तो सभी बच्चों का टाइमिंग लगभग लगभग 2-3-4-5 सेकंड बढ़कर आया। अब जब बढ़कर आया तो सभी बच्चे थोड़ा सा परेशान हुए कि सर टाइमिंग बढ़ गया। तो एक टाइमिंग बढ़ने का एक मेन रीजन ये था कि अभी आपको पता है मौसम ठंडा है और बहुत जगह बारिश हुई, तो हवा बहुत तेज चल रही है, जब मतलब लगभग लगभग 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा चल रही है वो जो बच्चों के 5 से 10 सेकंड वहां पर बढ़ रहे हैं। तो ये ऐसे ही अगर हवा चलती रही तो आप जब फिजिकल देने जाएंगे तो आपको है वहां पर 2 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड आराम से वहां पर आपको नुकसान इसका भुगतना पड़ सकता है। तो फिजिकल कैंसिल हुआ तो सबसे मेन चीज, अब जो समस्या आने वाली है आपको ये है, क्योंकि अब ये हवाएं का मतलब हवाएं तो अब चलती रहेगी, क्योंकि आपको पता है अब जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बारिश का जो है सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो हवाएं इतनी तेज चल रही है कि आपको ज्यादा नहीं कम से कम 5-7 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड यहां तक कि 10 सेकंड तक का भी आपको वहां पर नुकसान देखना पड़ सकता है। तो मेन चीज आपको सबसे पहली चीज ये बोलना चाहूंगा कि आप अपनी प्रैक्टिस को इतना परफेक्ट करें, इतना बढ़ा दें कि अगर हवा चलती है या कुछ, जैसे अगर आप बाउंड्री पे तो लगभग लगभग ज्यादा नहीं तो आपके जो टाइमिंग है आपका 2:45, तो आपको यहां से कम ज्यादा नहीं तो 2:35-37 आपको टाइमिंग यहां से लेके जाना है कि अगर कुछ कंडीशन आपके साथ ऐसी बनती है तो वहां पर आप परेशान ना हो और अपना जो फिजिकल है वो क्लियर कर गए। तो आप देख रहे हैं, अगर देखो अभी वीडियो तो मैं स्टूडियो के अंदर शूट कर रहा हूँ, जैसे अगर ट्रैक पे अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो वहां पर बहुत ज्यादा हवाएं चल रही है, वहां पर आपको आवाज ही नहीं आती, क्योंकि अगर आप फिजिकल कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा क्योंकि अभी हवाएं बहुत तेज चल रही है। तो जिस साइड से आप रनिंग मतलब जैसे आप ट्रैक से हम रनिंग करते हैं तो अभी हवा इतनी रफ्तार से चल रही है कि बच्चा जब उसके अपोजिट आता है तो दौड़ ही नहीं पा रहा, मतलब ना तो खींच ही नहीं पा रहा, तो वहां पर आपको 2-4 सेकंड का नुकसान वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे मेन चीज आपको यही बोलना चाहूंगा, प्रैक्टिस इतनी बढ़ा दे कि अगर ऐसी कुछ कंडीशन आपके फिजिकल के दौरान आपको बनती है आपके साथ में तो आप वहां पर फिजिकल क्लियर करते हैं। दूसरी चीज ये है कि जिन बच्चों का फिजिकल लेट है तो हो सकता है उनके फिजिकल स्टार्ट होने तक बारिश भी हो जाए। अब बारिश अगर हो जाती है तो सबसे मेन चीज है कि लॉन्ग जंप सबसे जो दिक्कत का आपका पॉइंट बन रहा है वो है लॉन्ग जंप। रनिंग चलो ठीक है आप कर लेंगे, आपको स्ट्रेट रोड पे टाइमिंग आपका ले सकते हैं जहां भी जैसे भी हो, बट लॉन्ग जंप के ट्रैक के दौरान वहां पर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर पानी गिरता है तो हो सकती है आपको फिसलन की दिक्कत हो या जो भी चीज है, तो कुछ चीजें ऐसी है कि जिनका आपको आगामी दिनों में सामना करना पड़ सकता है। तो अपने आप को आप उसी वे में प्रिपेयर करें, उसी ढंग से प्रिपेयर करें कि अगर कुछ कंडीशन ऐसी बनती है तो वहां पर आप फिजिकल क्लियर करके आए, क्योंकि ये चीज हमें टाइमिंग से पता चली है, हवा पिछले 2-3 दिनों से चल रही बट जब हमने टाइमिंग लिया तो हर बच्चे का टाइमिंग वहां पर बढ़ के आया है। तो बच्चे डीमोटिवेट होते हैं, वीडियो बनाने से पहले यही सोचा अगर बच्चे वीडियो देखेंगे तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको जो ये बताया है कि यार हवा सारी चीजें बारिश को, तो अपने आपको एक ऐसे तरीके से आपको तैयार करना, ऐसे प्रिपेयर करना अपने आपको कि कुछ भी कंडीशन आपके साथ बनती है तो आप वहां पर उसी कंडीशन में फिजिकल क्लियर करके आएंगे। अपनी प्रैक्टिस को इतना बढ़ा दीजिए क्योंकि आपके पास ज्यादा नहीं 15-20 दिन में आपको सभी का फिजिकल, ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, सभी का फिजिकल हो जाएगा। तो अपनी प्रैक्टिस को आप इतना बढ़ा दें कि अगर कुछ भी कंडीशन, हवा की कंडीशन या पानी की कंडीशन कुछ भी बनता है तो आप वहां पर उस कंडीशन में फिजिकल क्लियर करके आएंगे।
तो आपको डिमोटिवेट करने का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बोलने का मतलब ये है कि अगर ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है, क्योंकि अगर आप ट्रैक पे या सुबह कहीं भी, क्योंकि अभी मॉर्निंग टाइम में आप डेली देखें, डेली आपको हवाओं का सामना करना पड़ेगा, तो आपको अपना आपको वैसे ही उन हवाओं के साथ में अपना आपको ऐसे तैयार करना है कि अगर आपको फिजिकल के दौरान कुछ भी दिक्कत हो तो आप वहां पर फिजिकल आपको क्लियर करके आना है, हवा हो या पानी हो या कुछ भी हो, तो उस चीज में, क्योंकि जैसे इंदौर है, उज्जैन है, यहाँ का तो ठीक है, फिर भी आपको जबलपुर में अगर आपको फिजिकल या सागर में, तो ये क्या थोड़ा हिल एरिया पे यहाँ का ग्राउंड है, तो यहाँ पे यहाँ वाले बच्चे हैं उनको और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो आप सभी से एक ही निवेदन है, आप अपने आप को उसी ढंग से तैयार करें, क्योंकि आपको पता है आने आगामी दिनों 15-20 तारीख तक तो वैसे नॉर्मली अपने यहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है, ज्यादा नहीं तो 25 से तो आपका बारिश स्टार्ट हो ही जाएगी। तो आप अपने आप को उसी ढंग से तैयार करें, जब भी आपका फिजिकल वहां पर क्लियर कर गया है, तो बताने का मकसद यही है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने प्रैक्टिस को और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, थोड़ा हार्ड कर दीजिए, ताकि आगामी दिनों में ये जो समस्या आपको बताई है, इन समस्याओं का सामना भी अगर आपको करना पड़े तो आपको फिजिकल ना रुके और आप फिजिकल क्लियर करके आए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए। आप जिनका एमपी पुलिस का फिजिकल, एमपी पुलिस के लिए अच्छे से तैयारी, जिनका एसएससीईडी का फिजिकल, एसएससीईडी के लिए, बाकी अपने आप को बढ़िया ढंग से तैयार करें और जब भी आपको मौका मिले वहां पर फिजिकल क्लियर करके आए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपडेट तुरंत आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।